चिकित्सा आमाशय की जरूरी है, भले ही वो अमवात हो, आमाशय के ऊपर ध्यान दो, वमन जरूरी है इस अवस्था में। एक वमन के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। तो जो पहले मैं 15 दिन कर रहा था वो क्राइम नहीं था, गलती नहीं थी, फेल्यूर नहीं था, ये फेल्यूर है। वो एटलीस्ट जो गलतियां हम कर रहे हैं वो आपसे ना हो, जिससे आपको यश मिले, आपको प्रसिद्धि मिले। इसके लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टाइम हो गया क्या बताइए? ये जो गलतियां हम करते हैं उसके लिए वाग्भट में एक सूत्र है, स्मरण पूर्वम अतिक्रमम। वो सूत्र भूल जाते हैं, सर सिखाते हैं, बहुत बार सिखाया है सर ने, पहले गलती क्या की वो दिमाग में रख के वाग्भट जी ने, चरक जी ने। एक मैं चीज इसमें अभी बोलना चाहता हूँ, ये चरक और वाग्भट हमारे कलीग दोस्त नहीं है क्या? थोड़ा विषय अंतर होगा। चरकाचार्य है, वाग्भट जी है, समझ रहे? दिमाग में रखिए, वो हमारे गुरु है, भले ही ग्रंथ के रूप में हो, चरकाचार्य है। स्मरण पूर्वम अतिक्रमम, उस सूत्र का दिमाग में विषय ध्यान में नहीं रहा तो गलतियां होती है। चिकित्सा में असफलता का यह भी एक कारण है। बहुत बार उसी एक व्याधि के बारे में नहीं, वही वैसी गलतियां, कुछ कॉमन गलतियां अलग व्याधि में भी होती है, तो हर बार ऐसे ही उसी ही व्याधि की प्रतीक्षा में नहीं रही है, क्योंकि दोष समान है, हेतु समान है, थोड़ी अलग अलग मदद मिलके व्याधि का मैनिफेस्टेशन अलग हो जाता है। तो वही हेतु वैसी ही गलतियां दूसरी अवस्था में मिले तो हमें वहां से वो चीजें बंद करवानी है और हमारी गलती सुधारनी है, तो ही कुछ अच्छा हो सकता है। मैं अभी 2 केसेस आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन मैं जो अभी आपके साथ जो बोल रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, आपको कुछ पूछना है? मैं अभी फ्री टॉक है, ये प्लीज पूछिए, कुछ पूछना है और कुछ पूछना है पूछिए प्लीज। एक तो शंका थी पेशेंट सुनते नहीं, उसका तो आंसर मैंने पहले ही दे चुका हूं मैं। उसका कारण क्या है? हम फॉलो नहीं करते, उस लिए पेशेंट फॉलो नहीं करता, हेतु बंद नहीं करता। ऐसी और कौन सी कठिनाइयां हैं आपके मन में? ऐसे कोई प्रश्न है, शंका है? मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बोला था कि आप कुछ इंटरेक्शन उनके उन लोगों के साथ, सबके साथ कीजिए, कुछ क्वेश्चन आना जरूरी है, या सिर्फ मेरा ही अपयश आपके सामने बया करूं? हाँ बोलिए भाई, तो वही तो बोलने के लिए मैं आपके साथ सामने बैठा हूं। कुछ पूछना है? नहीं, और कोई तो एक आदमी तो पूछ सकता है, और कोई गलतियां बताओ और कोई गलतियां बताइए। ये चीज मैं जो अभी बोल रहा हूं वो इम्पोर्टेंट है या सुनने लायक नहीं है, प्लीज ये तो बताइए, इम्पोर्टेंट है या नहीं? तो क्या करना चाहिए? और गलती बताइए, सिर्फ मैं ही बताऊं? एक चीज मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूं, हर एक के मन में ऐसा धारिष्ट्य आएगा ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं होगा शायद, लेकिन अलग अलग ग्रुप में बैठ के, मित्रों के साथ बैठ के, गुरुजनों के पास बैठ के,
बहुत बार विद्यार्थियों के पास में बैठ के ऐसी गलतियों के बारे में हम कुछ जानकारी शेयर करें तो हमारा ज्ञान वृद्धिंगत होगा, कम नहीं होगा। सक्सेस स्टोरीज आसानी से बोली जा सकती है क्योंकि उसमें शर्म की कोई बात नहीं ना। लेकिन मैं तो बड़ा निर्लज्ज हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कोई जानता नहीं, एटलीस्ट मेरा कोई पेशेंट तो नहीं है यहाँ, सब वैद्य वर्ग है। इसलिए मन में दुख है, ऐसी गलतियाँ होती है। लेकिन हर एक डॉक्टर के पास जैसे अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज होती है ना, ऐसे ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी भी स्टोरीज होती है। सिर्फ जानना जरूरी है। किसी नए गांव में गए तो क्या करना है, किसी वैद्य जी के पास जाना है। कुछ जैसे दवाइयाँ जान लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे केसेस ट्रीट किए हुए जान लेते हैं, ऐसा एक प्रश्न और पूछिए। ऐसी कुछ गलत बात, ऐसा कोई अपयश भी हमें बताइए, वो भी हमारे लिए शिरोधार्य है जिससे वो गलती हम नहीं करेंगे। किसी वैद्य के पास जाके हम पूछ सकते हैं। और ऐसी चीज़ें मैंने पूछी है और गालियां भी खा के आया हूँ, समझ रहे। बहुत लोग ऐसे बोलते भी नहीं, किसी को दवा पूछी तो नहीं बोलते दवा पूछी तो नहीं बोलते, अपयश कौन बताएगा, समझ रहे। लेकिन जो लोग मन से फ्री बोलने वाले होते हैं ना, वो ऐसी भी अवस्थाएं बोल देते हैं। लेकिन ऐसी दूसरों की गलतियां शेयर मत करना, जब खुद की गलतियां जो है वो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए मेरा ऐसा संदेश होगा कि असफलता का अनुभव देगी, लेकिन उससे आप सीख लेंगे तो बाद में भविष्य में आपको यश ही यश है। इस वाक्य से मैं आपको प्रणाम करके आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। आफ्टरनून में निरोग स्ट्रीट की